में इंजन में और गाड़ियों में फ्यूल FI लगा हुआ है, इसके अंदर कार्बोरेटर दिया हुआ है। कार्बोरेटर वाले इसमें ये भी, इसमें आप 20 का डलाओ, 50 बस का डलाओ, लगा। इमरजेंसी अगर खत्म। लॉक ब्रेक सिस्टम जिसे बोलते हैं, जैसे फोर व्हीलर गाड़ियों में भी आता है और कुछ बाइकों में भी, ये आप देख पा रहे हैं। ये आप ट्विन स्पार्क, डबल तो स्पार्क, इसका मतलब सर क्या होता है? डबल स्पार्क, डबल स्पार्क होते हैं। नमस्कार भाइयों, क्या हाल है आप सबके? आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं प्लेटिना 110 जो कि नए मॉडल में है, जो 2023 मॉडल में नए फीचर के साथ आई है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो 2022 में नहीं थे, जो 2023 में इंक्रीज होके आए हैं। तो ये आपके पास दोनों खड़ी है, कुछ कंपैरिजन भी इन दोनों में। जैसे 2022 ये 2023 मॉडल का थोड़ा ये अलग वेरियंट है और ये अलग वेरियंट है, दोनों के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से मेन जो सेल्समैन उनसे मिलवाता हूँ। नमस्कार भाई जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रभान कश्यप है। ठीक है जी, और यहाँ का एड्रेस बता दीजिए और कहाँ की लोकेशन है ये 17 मील नैनीताल ऑटो मार्ट खटीमा रोड, 17 मील उत्तराखंड आ गया, उत्तराखंड में। ठीक है जी, तो सबसे पहले सर इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये बजाज की जो हो गई प्लैटिना 110, बजाज की ये नए 2023 मॉडल आया है, 110 सीसी है और एंटी ब्रेक सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ। ठीक है जी, इसमें इंजन की सबसे पहले जैसे बात कर लें, 110 सीसी इंजन, 110 सीसी इंजन है। ठीक है जी, इंजन के साथ ये कैसे, मतलब फ्यूल का सिस्टम इसका कार्बोरेटर के साथ आ गया ना? इसमें इंजन में और गाड़ियों में फ्यूल FI लगा हुआ है, इसके अंदर कार्बोरेटर दिया हुआ है। ठीक है जी, इसमें कस्टमर तो ये है कि इसका कारण सर, इसका कारण क्या है? इसमें क्या, इसमें कार्बोरेटर में, इसमें आप कस्टमर जैसे और गाड़ियों में 2.5 लीटर का सिस्टम होता है, इसमें कस्टमर 50 रुपए का तेल डला के स्टार्ट करके चला सकता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब जैसे FI जैसे कार्बोरेटर है इसमें, और पहले जैसे अब FI आने लगे हैं हर गाड़ियों में, तो उनमें ये होता है कि उनमें 1.5-2 लीटर तेल होना चाहिए टैंक में। हाँ, उससे मतलब मोटर ही होगी, जैसे इंजन के साथ मोटर अटैच हो गई। FI को इंजेक्टर मोटर बोलते हैं, इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर मोटर, तो उसमें 2-2.5 लीटर तेल होना ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। अब जैसे ये फ्यूल अपना हो गया कार्बोरेटर वाले, इसमें ये भी, इसमें आप 20 का डलाओ, 50 का डलाओ, इमरजेंसी अगर खत्म होता है किसी गली मोहल्ले में, 20-50 का एक्स्ट्रा मिल जाता है, तक चली ही जाती है। हाँ, तो ये फैसिलिटी है इसमें। जी, जी। पुराना इसलिए इसको थोड़ा पुराना कार्बोरेटर वाला मॉडल रखा हुआ। जी। और बाकी सर ये दोनों में जैसे ये आ गया, इसका यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ABS एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, और इस वाले में आ गया अपना कम्फर्ट। हाँ जी, और इन दोनों में क्या अंतर हुआ? ये क्या, ये है कि मतलब एक तो ये 110 ड्रम में है, आगे पीछे दोनों ड्रम लगे हुए हैं। अच्छा जी, वो वाली जो हो गई वो दोनों, ये ब्लू वाली, दोनों ड्रम ब्रेक है। इसमें ये जो है आगे डिस्क दिया हुआ है और आगे पीछे एंटी ब्रेक सिस्टम लॉक भी दिया हुआ है। अच्छा जी, इससे गाड़ी में आपको, इस वाली में दोस्तों आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, और यहाँ पे आप कैमरे में देखिए, और ABS सिस्टम भी साथ में दिया हुआ है, ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जिसे बोलते हैं, जैसे फोर व्हीलर गाड़ियों में भी आता है और कुछ बाइकों में भी, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको इसमें नहीं लगा हुआ मिलेगा। और देखिए रियर टायर में भी, रियर आप व्हील में भी देखिए, यहाँ पे भी आपको ये सिस्टम लगा हुआ मिलेगा, और ये एक अलग सिस्टम होता है, इसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं, और इस गाड़ी में नहीं है। तो ये इसमें थोड़ा सा वेरियंट का फर्क है। तो इसके बाद सर हम इसकी जैसे टायर साइज की बात कर लें, टायर साइज में क्या मिलेगा? टायर सर ट्यूबलेस होंगे दोनों ही, टायर दोनों ही ट्यूबलेस मिलेंगे, विदाउट ट्यूब इसमें टायर रहेगा, और 17 इंची का इसमें आपको टायर मिल जाएगा, देख पा रहे हैं आप 817, और बाकी पीछे का थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा होगी, और दोनों 17 इंची टायर मिल जाएंगे। व्हील सेम है ना सर दोनों में? हाँ, दोनों व्हील सेम मिलेंगे। और इसके बाद सर इसकी जैसे कुछ फ्यूचर वगैरह की बात कर लें, मीटर वगैरह की हो गया, अभी सबसे पहले माइलेज की बात करते हैं। जैसे फ्यूल इसमें कार्बोरेटर है और माइलेज का फर्क है सर, जैसे कह रहे हैं भी फ्यूल इंजेक्टर में एवरेज थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसमें क्या माइलेज मिलती है? ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर में वो तो एक मोटर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसमें जो जितना ही होगा उतना ही देगा, और इसमें ये आपका है कि आपका अगर कम दे रहा तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसमें 70+ का इसका माइलेज है। ठीक है जी, तो इनमें सर फ्यूल टैंक कितने लीटर का आता होगा सर? फ्यूल कम से कम 10 से सर 11 लीटर फ्यूल टैंक है इसका। ठीक है, ये 10-11 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आता है दोस्तों। तो इसके सर कुछ अपना इसका जो मीटर वगैरह, हाँ जी, ऑन करके दिखाइए अभी, और इसका इंजन ऑन हो जाएगा इस समय? सर इस समय नहीं हो पाएगा, उसमें तार लगानी पड़ेगी उसमें। कोई नहीं सर, डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर, और बाकी इसमें रीडिंग टाइमिंग वॉच वगैरह, रीडिंग वगैरह, टाइमिंग घड़ी वगैरह सब कुछ आ जाएगा, गियर वगैरह सब कुछ दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्पीडोमीटर आपको ये लिखा हुआ है एनालॉग, बाकी आपको डिजिटल मीटर में मिलेगा। ऑडोमीटर वगैरह हो गया, जैसे फ्यूल का हो गया और ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, इंजन का हो गया, और जो भी आपको डिजिटल मीटर पे दिखाई देगी, ये मोड बटन इसका हो गया, आप देख पा रहे हैं,
और बाकी जैसे आप सेम आप देख पा रहे हैं, जैसे इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है, इसमें डिस्क ब्रेक है, यही सिस्टम में थोड़ा फर्क है। और बाकी बटन वगैरह सेम जैसे पुराने मॉडलों में आते थे सेम है, बाकी थोड़ी सी एडवांस कर दी है बाइक पहले से। यहाँ पे भी आपको लोगो मिल जाएगा फ्रंट में भी, एंटी स्किड ब्रेकिंग, एंटी स्किड ब्रेकिंग जैसे इसमें ये होता है भी, मतलब एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम में सर ऐसा है मतलब स्लिप वगैरह गाड़ी कम करती है ना, हाँ, स्लिप वगैरह नहीं होती है, फिसलना मना है इसे। ठीक है जी, तो इसमें आपने दोस्तों ऐड वगैरह भी देखी होगी टीवी वगैरह में, इस तरह की काफी ऐड आती रहती है, तो ये सिस्टम कंपनी जो लेके आती रहती है। बाकी लाइटिंग सिस्टम की बात कर ले, हाइलोजन ही लाइटिंग मिलेंगी, DRL आपको साथ में ऊपर मिल जाएगी, टर्न इंडिकेटर काफी अट्रैक्टिव लुक वाले, ये ऑरेंज हाइलोजन बल्ब वाले आपको मिल जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं फ्रंट में भी और रियर में भी। और इसकी कुछ जैसे खासियत वगैरह हो गई आपको बता दें सर, इसमें जैसे प्राइस वगैरह की क्या रेंज आ जाएगी इस मॉडल में? इस मॉडल में सर 90,000 इसका ऑन रोड प्राइस। ठीक है जी, मतलब एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, मतलब जो डिस्क ब्रेक के साथ, डिस्क ब्रेक के साथ और विदाउट डिस्क की उसकी कितनी आ जाएगी? 87 है सर उसका, 87 जी। ठीक है जी, तो ये दोनों सल्फ वगैरह में होंगे ना? सल्फ दोनों सल्फ स्टार्ट है। ठीक है जी, दोनों सल्फ स्टार्ट है, और बाकी विदाउट सल्फ भी आते हैं? विदाउट सल्फ भी आते हैं। अच्छा, मतलब सल्फ ही आता है। बाकी आप देख पा रहे हैं ये बटन वगैरह देखिए, बाकी सीट की क्वालिटी देखिए, काफी आपको स्मूथली सीट क्वालिटी मिल जाएगी इसमें। और इसके साथ साथ ही DTS ही, और ये इसका जो इंजन होता है सर DTS ट्विन स्पार्क डबल स्पार्क, इसका मतलब सर क्या होता है? डबल स्पार्क, डबल स्पार्क होते हैं इसमें, लगो दो प्लग होते हैं। अच्छा, दो डबल प्लग के साथ उसको कह देते हैं डबल स्पार्क, तो दोनों साइड दोस्तों इंजन के प्लग लगा हुआ, तो उसे कह देते हैं ट्विन स्पार्क या डबल प्लग वाला। तो चलिए दोस्तों, प्राइस भी आपको बता दिया, कुछ मेन जो मेन फीचर्स से मेन जानकारी थी, और मेन जो बदलाव लेके आई थी 2013 में 2023 में कंपनी, वो भी आपको दिखा दिया है। बाकी जो प्राइस रेट है दोस्तों, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड एरिया आपको बता दिया, बाकी डीलरशिप के हिसाब से सब जगह अपना अपना अलग अलग होता है, 1,000-2,000 ऊपर नीचे फर्क हो जाता है। तो किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, किसी भी समय आप कॉन्टैक्ट करिए, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में पूरा पूरा बने रहने के लिए धन्यवाद। कर दे बंद।